नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रेवाड़ी में मंगलवार बीती रात 9:10 पर किसी युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर कॉल कर शताब्दी एक्सप्रेस में बम रखने की सूचना दी। इस फोन कॉल के साथ ही पुलिस महकमे और रेलवे सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर आ गई। ट्रेन के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मगर बम नहीं मिला। पुलिस ने फोन करने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी। अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अजमेर से दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस मंगलवार को रात करीब 8:55 पर गाड़ी स्टेशन पर पहुंची थी। रात 9:10 पर किसी युवक ने पुलिस कंट्रोल नंबर 112 पर कॉल कर सूचना दी कि दिल्ली की तरफ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में मैंने रेलवे स्टेशन रेवाड़ी पर बम रख दिया है। इसकी सूचना आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सांगवान को दी गई। इस पर सर्वप्रथम उक्त गाड़ी की लोकेशन पता की गई तो पाया कि ट्रेन रेवाड़ी गुड़गांव के बीच में चल रही है। सूचना गुड़गांव आरपीएफ को दी गई। रेवाड़ी स्टेशन पर डॉग स्क्वाड पहुंचा तो सर्च ऑपरेशन चलाया। डीएसपी जमाल खान, एसएचओ सिटी, एसएचओ साइबर सेल, एसएचओ जीआरपी भी मौके पर पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर तलाशी शुरू की गई। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। 23/11/2021 को समय 9:30 पर 112 गाड़ी ने कंट्रोल रूम से फोन किया थाने में कि शताब्दी एक्सप्रेस में एक व्यक्ति ने सूचना दी है कि मैं उतर गया हूं और बम रख दिया है। इस सूचना पर एसएचओ साहब सभी स्टाफ प्लेटफार्म चेकिंग के लिए गए। उस टाइम शताब्दी एक्सप्रेस गुड़गांव के लिए रवाना हो चुकी थी। एसएचओ को सूचना दे दी गई और सारा स्टेशन चेक किया गया और बस स्टैंड सभी को चेक किया गया, पर उस व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर जिससे किया था वो स्विच ऑफ आने लग गया और नहीं फोन किया। किस नंबर से कॉल आए थे सर? 93-196-72-743 कॉल की थी। क्या उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं शताब्दी से रेलवे स्टेशन रेवाड़ी पर उतर गया हूँ और मैंने बम रख दिया है। क्या उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया? हाँ, मामला गुड़गांव जीआरपी थाने में दर्ज हो चुका है। अज्ञात व्यक्ति खिलाफ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।